शांति वेलकम टू अव्यक्ति परिवार टुडे इज डे 6 ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज छठा दिन है साइलेंस की यात्रा का, शांति की यात्रा का। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति एवरीवन। मोहिनी दीदी बोल रहे हैं अभी, ओम शांति सभी को। इट हैज बीन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस फ्यू डेज। ये कुछ दिनों का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, शांति के गहराई का अनुभव करने का। पहले साइलेंस को, शांति को हम बोलते थे कि सोचना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं, लेकिन अभी हमें पता है कि उसको एक स्थिति में बना करके रखना है मन को। बाबा ने हमें बहुत सारे ज्ञान के खजाने दिए हैं ना। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो खजाना बाबा ने दिया है वो है ज्ञान की, ज्ञान का और प्योरिटी का, क्योंकि प्योरिटी पवित्रता ही शक्ति है। और ज्ञान के साथ हमें पता चलता है कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है, कितना कितना सोचना है। तो सोचिए कि ज्ञान के पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमें क्या सोचना है। तो अपने संस्कारों के वश, अपने कर्म इंद्रियों के वश होकर जो भी हमारे मन में आता था हम उसको और उसको सोचते रहते थे, चलाते रहते थे। लेकिन अभी साथ ही हम उसको मना कर देते हैं कि क्या ये मुझे नहीं सोचना है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बहुत बड़ा खजाना है हमारे जीवन का जो बाबा ने हमें दिया है, पवित्रता और ज्ञान दोनों। और ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कर्मों को ढाल सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि जब भी हमें कुछ करना है, कुछ शुरू करना है, या हमारे संबंध संपर्क में भी हमें बहुत जैसे पवित्र भावनाएं, शुद्ध भावनाएं रखनी है एक दो के लिए, क्योंकि शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हमेशा हमेशा काम करती हैं। और जो भी कार्य होता है वो जरूर सफल होता है उससे। मुझे यकीन है कि आप सबने ये इसका प्रयोग किया होगा कि कैसे शुभ भावनाएं हमें मदद करें, सहयोग करें। उसका अनुभव आपने किया होगा और आपकी भावनाएं दूसरी ओर पहुंच करके जो भी कार्य है वो सफल भी किया होगा उससे। और बाबा से भी जैसे बातचीत करने के लिए हमें ये शुभ भावनाएं आवश्यक हैं। और फिर हमारा शांति पूर्वक जो मन, वो भी हमें चाहिए, वो भी जरूरी है। और अभी तो हम कितना ज्यादातर समय शांति में रहते हैं ना। अभी तो कोशिश करते हैं, हमें पता है कि कुछ भी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करना, अपसेट नहीं होना, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इसी से ही जो शांति से एकदम साइलेंस भी हो जाते हैं। दोनों को शांति ही बोलते हैं, साइलेंस को भी और पीस को भी, दोनों को ही शांति कहा जाता है। वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोनों का संबंध है। तो जब मैं अपने भाग्य के बारे में सोचता हूँ peace also is a very valuable, तो जो शांति है, पीस, वो भी बहुत मूल्यवान जो हमें तोहफा मिला है, सौगात मिली है बाबा से। पहले हम अपसेट हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, किसी बात का जवाब जल्दी दे देते थे बिना सोचे समझे। लेकिन अभी सिर्फ अंदर शांत अनुभव करते हैं एकदम।
जहां मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल शांति में रहना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है बोलने की, वहां मुझे बोलना नहीं है। जितना ज्यादा हो सके मुझे शांति में रहना चाहिए। और फिर कुछ दिनों में ऐसा होता है कि आप उस चीज की गहराई में चले जाते हैं शांति की, और उस अनुभव में आप बने रहते हैं। जैसे आज, जैसे आज मैं थोड़ा प्रयोग कर रही थी, तो मैंने सोचा मुझे और ज्यादा करना है प्रयोग इसका। And then as the time comes, the soul start playing that part. इस हमारी आत्मा में पॉइंट में वो पार्ट भरा हुआ है, और समय अनुसार वो पार्ट बजता रहता है। बहुत साधारण बात है, बहुत छोटी बात है, समझने के लिए सहज है कि कैसे स्थिति है मेरे अंदर, कि आत्मा तो पार्ट बजाएगी, वो तो इस बिंदु में वो पार्ट भरा ही हुआ है। बाबा हमेशा कहते हैं कि ये जैसे सहज युक्तियां हैं, छोटे छोटे जैसे पॉइंट हैं, लेकिन जब गहरी शांति अनुभव करेंगे तो उस समय आप वो बिंदु रूप का अनुभव कर सकते हैं, और फिर बहुत गहराई से आप अनुभव करते हैं कि कितनी समझ आती है और कितनी स्थिरता आती है। और जो भी पार्ट आत्मा को बजाना है वो तो बजाएगी ही। तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि कैसे जैसे कोई भी पॉइंट हम ले लें तो उसमें हम उसका उसकी सच्चाई, उसकी गहराई देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो है ज्ञान का मनन चिंतन। कई लोग बहुत जैसे अच्छे होते हैं उस चिंतन में, लेकिन दूसरी बात है कि उसको समझना, उसको उसमें उसका स्वरूप बनना, उसमें स्थित हो जाना। तो आप हर रोज जैसे अनुभव कर सकते हैं इसके फायदे, शांति के फायदे अनुभव कर सकते हैं। और उनमें से एक फायदा है कि आप बहुत गहरे जा सकते हैं, जितना आप जाना चाहें, हर छोटी छोटी बात की गहराई में जा सकते हैं, और फिर उसमें से शांति की गहराई अनुभव कर सकते हैं। हम जैसे सूक्ष्म बात कर रहे थे कि भी छोटी छोटी बातें सूक्ष्म रीति से होती हैं अंदर, It could be a very subtle thought. भले कोई भी सूक्ष्म बात हो, संकल्प हो, तो शांति क्या करती है? शांति आप अपनी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म रीति से सूक्ष्म बनाए। मन तो सोचता रहता है, हलचल में आता रहता है, बुद्धि हमेशा उसको जैसे परखती रहती है कि वो ध्यान रखती है कि क्या चल रहा है, विचारों को, संकल्पों को चेक करती रहती है हमेशा। इसीलिए मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जब हम शांति में रहते हैं तो बुद्धि जैसे बहुत आराम में रहती है, बहुत आराम अवस्था अनुभव करती है, नहीं तो वो हमेशा चलती रहेगी बुद्धि आपकी। हमेशा कहते हैं कि बुद्धि क्या है, जैसे एक वॉचमैन की तरह है, हमेशा चौकन्नी रहती है बुद्धि। लेकिन जब बुद्धि एकदम शांत हो जाए और ज्यादा से ज्यादा निश्चय हो कि जो भी मैं करता हूँ, जो मैं करूँगा, वो कल्याणकारी होगा, वो अच्छा होगा, ऐसा निश्चय होना,
कि हाँ जो सुना है वो तो है कल्याणकारी, लेकिन दूसरी बात है कि आपको एक दृढ़ निश्चय हो गया है कि जो भी मैं, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, वो निश्चय है। और फिर तो ये चीज आपके संस्कारों को भी शांत करती है। और संस्कारों की शांति क्या है, क्योंकि मन तो हमेशा संस्कारों के आधार पर चलता है ना। और जब तीनों शांत हो जाते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, गहरी शांति में चले जाते हैं, खास तौर पर जब संस्कारों की शांति आप अनुभव करते हैं, तो आप देखते हैं कि कितनी आपको अंदर में शांति अनुभव होती है, एकदम जैसे बहुत गहरी शांति। जैसे बाबा ने कल कहा कि आपके संकल्प भी यथार्थ चलेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, संकल्प आपके एकदम यथार्थ चलेंगे, सही समय पर सही संकल्प इमर्ज होंगे जब आप एकदम शांत अनुभव करेंगे। और शब्दों के लिए भी ऐसे कह सकते हैं कि आपके शब्द भी यथार्थ होंगे। तो शांति की शक्ति आपकी, शांति की शक्ति से आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है चीजों को सही रीति से, स्पष्ट रीति से देखने की और करने की, आपकी शक्ति बढ़ जाती है। और बाबा ने कहा कि सोल्यूशन भी इमर्ज होते रहेंगे, समाधान, आपकी परिस्थितियों के समाधान आते रहेंगे, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आप स्पष्ट हैं तो समाधान भी सहज रीति से अनुभव होंगे आपको। और उसका मतलब है कि सफलता होगी, प्राप्तियां होगी, सफलता होगी। बहुत से लोग निर्णय करने के बाद सोचते हैं, ऐसे होता है ना, क्योंकि मन और बुद्धि में बहुत कुछ चलता रहता है, तो बस सोचते हैं कि हाँ करके देखेंगे, लेकिन जब आप परखने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यज्ञ के कार्यों के लिए भी हम जो निर्णय करते हैं, जो बोलते हैं, वो सिर्फ यज्ञ के लिए ही नहीं, लेकिन मेरे लिए और बाकियों के लिए भी कल्याणकारी हो। नहीं तो हम जो चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, जिस रीति से मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर चीज के बारे में सोचकर, हार्मनी में, ताकि मैं बाबा की श्रीमत का पालन करूं, मेरा सबके साथ संबंध अच्छा रहे, जिससे सब कुछ, सबको अपनापन अनुभव हो, सबकी दुआएं मुझे मिलें। मुझे लगता है कि ये बहुत जैसे आवश्यक है कि हम हर किसी से दुआएं इकट्ठा करें, हर कार्य में दुआएं लें। दुआएं हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए बहुत जरूरी है। मेरी अपनी रूहानी तरक्की, जब आपको हर तरफ से शुभ आपको दुआएं मिलें, तो आपकी तरक्की बहुत होती है और आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं अंदर में। Yes, we are one family. और आप जैसे एक परिवार अनुभव करेंगे, प्यार अनुभव करेंगे, आदर सम्मान, शुभ भावनाएं। तो मेरे अंदर के जो भी कर्मेंद्रियां हैं, जो भी कार्य हैं, जो चलते हैं मेरे अंदर सूक्ष्म रीति से, वो शांति की शक्ति से वो सही स्थिति पर आ जाएंगे, अच्छे से कार्य करेंगे। और
जैसे शांति की पर्सनैलिटी बन जाएगी हमारे, जैसे दादी गुलजार को देखें तो वो उन्होंने हर कार्य साइलेंस की शक्ति से किया, जैसे कुछ घंटों की मीटिंग होगी तो हम कहते थे दादी आप, अंत में कहते थे दादी आप कुछ शब्द बोलिए, तो वो जैसे सुनते रहते थे और अंत में वो कुछ शब्द ही बोलेंगे, लेकिन तो और हर किसी को लगता था कि ये जैसे ये दुआएं हैं, जैसे ये जैसे समझदारी के शब्द हैं, सयाने शब्द, और हम जानते थे कि वो जैसे बाबा की दुआएं हैं, बाबा के वरदान हैं हमारे लिए। इतने सालों की शांति, दादी की शांति बहुत जैसे एक अलग स्तर पर सेवा कर रही थी और यज्ञ की रक्षा कर रही थी, परिवार को इकट्ठा बांध के रख रही थी, हमें कितना कुछ अनुभव होता था। तो गहरे रीति से अपने भाग्य को देखें अंदर, और उनमें से एक सौभाग्य है कि हाँ मैं शांत हूँ, शांति का अनुभव कर सकता हूँ, सिर्फ बात ना करना नहीं लेकिन अंदर में एक गहरी शांति, और वो शांति एक स्पष्टता लाएगी हमारी रूहान में, बातों में सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा, शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं सबसे अच्छा तरीका है किसी से भी बातचीत करने का। और जब हमें बात करना है तो करेंगे, वो तो है ही, नहीं तो आपका जो आपका मैसेज आपकी भावनाएं ही व्यक्त कर देंगे। हमारी दादियों के आपस में ऐसे ही बातचीत चलती थी, शांति से ही, कुछ ज्यादा कहते नहीं थे वो एक दूसरे से, लेकिन शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं उसके द्वारा ही वो एक दूसरे से रूहान कर लेते थे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप इस चीज का प्रयोग करके देखिए, एक साथ मिलकर के आप प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में परिवार में जो हमारा रूहानी परिवार है उसमें ऐसी रूहान ऐसा बातचीत बहुत जैसे पवित्र तरीका है बातचीत का, ये बहुत आवश्यक है, बहुत फायदेमंद है, और कार्य भी इससे बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। हर किसी को खुशी होनी चाहिए, हर कोई संतुष्ट होना चाहिए, और ये तभी होता है जब मैं अपनी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से शांति में ये रूहान करूं। तो हमें जैसे इसका और भी प्रयोग करना होगा और देखना होगा, इस अभ्यास करना होगा, सुबह में अमृत वेला या दिन में कभी भी 3 मिनट 5 मिनट जितना समय मिले, और उससे आप अपने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला है, जैसे भाग्य विधाता बाप से ये हमें सौभाग्य मिला है। ओम शांति। Om Shanti. Today is Monday, and until last Monday, we had a wonderful series of our Adi Dev book. And today we were supposed to start a new book, but drama is drama, right? So one of our Avakti team's
computer crashed. So it didn't reach to Vyakti Parivar today yet. So that's why we had to do our Murli from yesterday. So next Monday, hopefully we'll come up with the new book. So until then, let's enjoy Avyakti Murli, Avyakti Journey. Welcome to Avyakti Journey, Avyakti Murli, ocean of knowledge meets the rivers. Beef.
रसा संसार बाप दादा व मात पिता और बहन भाई, ये छोटा सा संसार वहां का छोटा सा संसार का आधार बंद यहां एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन विश्व महारानी को मात पिता के रूप में अनुभव करते यहां के सने बड़े परिवार का संबंध और कोई संबंध या नहीं परिवार तो यहाँ के प्यार बड़े परिवार का संबंध वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझ सने की समीपता परिवार की रहती चाहे मर्द भी रहती है लेकिन सने के मर्द भी संकोच और भय के नहीं भविष्य की तस्वीर कौन हुए आप है ना तो ये सब बातें अपने तस्वीर में चेक करो क्या समझे चेक करना आता कहां तक श्रेष्ठ तस्वीर बन के तैयार हुई है कि अभी रेखाएं खींच रहे हो होशियार आर्टिस्ट हो ना होशियार हो ना चारों ओर के सर्व श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व की आधार मुहूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपनी प्राप्ति
सदा पाप के सने और संयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मुझे कहा गया था, किसी ने मुझे बोला कि ये बहुत हर शाम को जो हम जो अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं मेडिटेशन में, वो कहाँ से मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एलिजाबेथ बैन बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, कि हर रोज जो आप सुनते हैं मेडिटेशन में जो गीत सुनते हैं वो हमारे एलिजाबेथ बैन व्यक्ति परिवार के लिए उन्होंने खास तौर पर गीत गाए हैं। सो वेलकम एंजल सिस्टर एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बहन का हम स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सिस्टर भूमि, दैट वाज सो स्वीट ऑफ यू। भूमि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी सबका भी धन्यवाद। इट्स बीन एन ऑनर एंड एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ, मुझे मेरे लिए इस सम्मान की बात है कि मैं ये छोटे छोटे गीत लिख रही हूँ आजकल, और ये जैसे मेरे लिए एक योगिक अनुभव है, और जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने समय में खुद को ये करना अच्छा लगता है। और मोहिनी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और परिवार का भी बहुत धन्यवाद। ये मेरा बाबा के प्रति प्यार है जो मैं आप सबको सुनाती हूँ, जो मोहिनी दीदी ने शांति के बारे में इतना अच्छा बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पर ये जो संस्कारों की हार्मनी बनाना, वो बहुत अच्छा लगा, जो कि निर्णय करने में मददगार बनती है, सहयोग देती है। कैसे अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन आप शांति से आप ऐसा बना सकते हैं वातावरण जिससे हर किसी को अच्छा अनुभव होता है। तो आज का जो होमवर्क है ये आपके सामने है, and so today on the seventh day, aaj saatvan din hai, vardata ke bhagya vidata ke khazane, iska aaj homework hai, bhagya vidata ne mujhe aatma ko bina puche hi itne sab khazane diye hain, jitna mera man ले भी नहीं सकता उससे भी कहीं ज्यादा खजाने मुझे बाबा ने दिए हैं। और ये खजानों को मैं अपने शांति की यात्रा पर, अपने
हृदय के पास अनुभव करती हूँ इन खजानों को। ओम शांति। The soul, मैं आत्मा surrender to the silence, शांति को अपनाती हूँ, शांति में समा जाती हूँ। In the stillness, I can see इस शांति में मुझे बहुत से खजाने अनुभव होते हैं। The treasure store of the bestower of fortune is overflowing. भाग्य विधाता के खजाने सबके लिए खुले हैं और इसकी कोई रखवाली नहीं करता है। सबके लिए खुले हैं ये खजाने। Baba has given this soul multi-million times more. Baba ne mujh atma ko itne khazane diye hain jitne main apne mein sama bhi nahi sakta. It is only at this time केवल इसी समय, ये ऐसा समय है जब मैं उतना भाग्य बना सकता हूँ जितना बनाना चाहूँ। I hold these precious treasures इन खजानों को मैं अपने हृदय के पास रखता हूँ और हृदय के पास रखकर इस शांति की यात्रा पर चलता हूँ। Treasures of silence, diving deep, the store is open, all I can keep. Bestower of fortune has treasures overflowing without even asking. My fortune is growing. There is so much abundance in the pilgrimage of silence. Treasures of silence, diving deep.
शांति।